सूरा कहीं का दीवाली दिवाली। दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा और स्वागत है आपका कॉमेडी की स्क्रीन नगरी में जिसका नाम है आलसी एंथुजियास्ट। देखिए मित्रगणों अर्ज किया है माहिष्मी में रहता है बाहुबली मकड़ा बनावे जाला मकड़ी बनावे जाली आओ सब सुन पपड़ी ले आओ क्योंकि आ गई है दिवाली। भाई मारो मुझे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दिवाली की पेटेंट मिठाई के बारे में जिसका नाम है सोन पपड़ी। देखिए दिवाली में लोग पासिंग द पार्सल सोन पपड़ी से खेलते हैं। सोनू की सोन पपड़ी ले जाती है मिन्नी अपने घर पे, मिन्नी की सोन पपड़ी ले जाता है तन्नू अपने घर पे और तन्नू की सोन पपड़ी जो है वो वापस मिन्नी के घर जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे संभाल के रखा जाता है, अगले साल भी तो बांटनी है। देखिए आपके घर में कोई सोन पपड़ी लाए या ना लाए लेकिन आपकी बुआ आपके लिए सोन पपड़ी जरूर लाती है जो चाय के साथ आधी तो वो खुद ही खा जाती है। और वैसे भी सोन पपड़ी उस व्हाट्सएप मैसेज की तरह है जिसे अगर आप 3 लोगों को शेयर करेंगे तो आपके घर में नए नए रिश्तेदारों का आना गारंटीड है। लोग और कुछ संभाल कर रखे ना रखे लेकिन सोन पपड़ी के डब्बे को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे एल्विश भाई ने बिग बॉस की ट्रॉफी को संभाल कर रखा है। अब देखिए दिवाली की बात हो और पटाखे की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और इस बार भी पिछले कुछ सालों की तरह भारत सरकार ने दिवाली में पटाखों को बैन किया गया और लोगों ने इस बात का कितना पालन किया आइए देखते हैं। मजा आया। बहुत ही एक सनसनी खबर आ रही है मेरे पास युगांडा से जहाँ पे एक ताऊ ने अपने भतीजे को बासी सोन पपड़ी खिला दी जिसकी वजह से उस भतीजे ने नलके में रखा आड़ू बम। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर पॉल्यूशन गंदगी और धुएं की बात हो और हमारे सेलिब्रिटीज कैसे पीछे रह जाते इस पर उन्होंने भी कुछ विशेष टिप्पणी दी। दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। अरे अंतरिक्ष से टपके हुए उभरते हुए सितारो, तुम लोग पूरे साल तो खुद गत्ता सूंघते रहते हो। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हुआ हो तो फोड़ो पटाखे, कुत्ते का पिल्ला पैदा हुआ हो तो फोड़ो पटाखे, मूवी हिट हो गई तो फोड़ो पटाखे, एंगेजमेंट हो गई फोड़ो पटाखे, शादी हो गई फोड़ो पटाखे, पिटबुल ने हस्की पटा लिया फोड़ो पटाखे, और यहाँ तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। खैर ये सब को अगर मैं नजरअंदाज कर भी दूं लेकिन लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरी तरफ आया कि वर्ल्ड कप में जो पटाखे फोड़े गए क्या ये ऑर्गेनिक थे? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं पक्का वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया तो अगली दिवाली मैं आपके लिए सोन पपड़ी लेके जरूर आऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।